meeting. भारत के लोगों, सरकार और अपनी ओर से मैं महामहिम और आपके प्रतिनिधिमंडल का राष्ट्रपति भवन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। महामहिम, भारत और सऊदी अरब के ऐतिहासिक संबंधों की नींव है हमारे अपने विश्वास और हमारे लोगों के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संपर्क। ये गहरा रिश्ता महज कुछ साल पुराना नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है। भारत की कहानियाँ और दंत कथाएँ अरब तटों तक पहुंची और वहां से इतिहास की धाराओं ने उन्हें विश्व में फैलाए। कला और विज्ञान के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां अरब जगत की देन है। सदियों से चले आ रहे व्यापार एवं वाणिज्यिक संबंधों ने हमें और करीब ला रहा है। मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री जी के साथ आज आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल के बातचीत और G20 शिखर सम्मेलन में आपकी मूल्यवान भागीदारी ने हमारे दोनों देशों के बीच बहुमुखी साझेदारी को और मजबूत किया। आज आपके साथ चर्चा करने के दौरान मुझे ये जानकर खुशी हुई कि पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश, ऊर्जा, सांस्कृतिक और लोगों के संबंधों सहित सभी क्षेत्रों में हमारे बायोलिटरल पार्टनरशिप में काफ़ी विस्तार हुआ। महामहिम, सऊदी अरब ने बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासियों को अपनाया है और उन्हें फलने फूलने का मौका दिया है। अपनी कड़ी मेहनत और प्रोफेशनलिज्म के माध्यम से उन्होंने सऊदी किंगडम के विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमें उनके देखभाल के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और उनकी कल्याण के लिए आपके निरंतर समर्थन के प्रति अस्तित्व रखते हैं। महामहिम, आधुनिक दुनिया में हमारे साझे सांस्कृतिक अनुभव, आर्थिक तालमेल और एक शांतिपूर्ण और सस्टेनेबल दुनिया के प्रति प्रतिबद्धता हमें नेचुरल पार्टनर्स बनाती है। शांति और स्थिरता के लिए एक सकारात्मक शक्ति के रूप में सऊदी अरब की भूमिका की हम सराहना करते हैं। भारत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता रहा है, जिसका अर्थ है पूरा विश्व एक परिवार है। हमारे दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध और आज यहाँ हमारे साथ आपकी गरिमामयी उपस्थिति सदियों पुराने इस सिद्धांतों को की अभिव्यक्ति है। मुझे बताया गया है कि आप इस रात्रि भोज के तुरंत बाद अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। मुझे आशा है कि आप अपनी भारत यात्रा की सुखद यादें अपने साथ ले जाएंगे। इसके साथ महामहिम देवियों और स्वजनों, आइए हम सब मिलकर महामहिम के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण, सऊदी अरब के लोगों की निरंतर प्रगति और समृद्धि, भारत और सऊदी अरब के बीच दोस्ती को हमेशा बनाए रखने के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करें। शुक्रान, धन्यवाद। فخامة الرئيسة، يسرني التقي بفخامتكم وننقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. كما نعرب عن شكرنا لما لقيناه من حسن استقبال وكرم الضيافة. إننا نطلع في المملكة العربية السعودية ونتم العلاقة التاريخية بين البلدين الصديقين ونتطلع إلى تعميقها والتعاون في جميع مجالات وارتقاء بها إلى آفاق أوسع وأرحب بما يخدم مصالحنا المشتركة. وكان تأسيس مجلس الشراكة السعودي الهندي أثرا كبير في العلاقة وسوف يحدث أثر أكبر في المستقبل. أكدت المباحثات المثمرة التي جرناها مع دولة الرئيس الوزراء على وجود رغبة مشتركة في تعزيز شراكتنا الاستراتيجية في مختلف المجالات والعمل على تطويرها بما يحقق المزيد من الإنجاز والتقدم ويعود بالمنفعة على شعبينا وبلدينا ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. إن وجهات النظر المتقاربة بين بلدينا تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية تسهل في مواجهة التحديات المشتركة وتساعد في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، لا سيما من خلال عضوية بلدينا في مجموعة الـ20. مطلعين تسهم زيارتنا في تطوير آفاق العلاقة والتعاون نحو تنمية العلاقات بين بلدينا بشكل أكبر وأوسع.